सैल्यू। पहले अध्याय के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। इस पाठ का विषय है ला नेगासियों। ला नेगासियों, नेगासियों का मतलब है नकारना या असहमति दर्शाना। इसके लिए हम स्कूली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अंकमॉन्स मतलब शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने निश्चित और अनिश्चित उपपद सीखे थे। जब भी हम किसी भी वस्तु के बारे में पूछते हैं तो हम पूछते हैं से क्वा, मतलब ये क्या है। अगर वो वस्तु पुल्लिंगी हो तो हम कहते हैं से त, और अगर वो वस्तु स्त्रीलिंगी हो तो हम कहते हैं से त्यून। अब हम देखते हैं किसी भी वस्तु को कैसे नकारते हैं। से क्वा अं स्तिलो, नो सने पास अं स्तिलो, से त क्रायो, ये क्या है, एक पेन, नहीं ये पेन नहीं है, ये एक पेंसिल है। क्या आपने इधर बदल देखे, मैं एक बार दोहराती हूँ। से क्वा अं स्तिलो, नो सने पास अं स्तिलो, से त क्रायो। यहाँ न और पा इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। न यह क्रियाविकार के पहले आता है और पा यह क्रियाविकार के बाद। लेकिन गौर करें, जब पा यह शब्द किसी भी स्वर से शुरू होने वाले शब्द के पहले आता है तो उसके अंत के ज का उच्चारण करते हैं। उदाहरण, सने पा ज क्रायो। लेकिन अगर पा ये किसी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले आए तो उसका उच्चारण नहीं करते। उदाहरण, सने पा लखरायो, से क्वा अकार्ताबल, न सने पा ज कार्ताबल, से त पापिए, ये क्या है, एक बस्ता, नहीं ये बस्ता नहीं है, ये कागज है। से क्वा अं स्तिलो फत्र, नो सने पास अं स्तिलो फत्र, से त लिव्र, ये क्या है, स्केच पेन, नहीं ये स्केच पेन नहीं है, ये किताब है। से क्वा अं ताई क्रेयो, नो सने पास अं ताई क्रेयो, से त ताब्लो नुआर, ये क्या है, एक शार्पनर, नहीं ये शार्पनर नहीं है, ये एक ब्लैक बोर्ड है। अब हम स्त्रीलिंगी वस्तुओं का उदाहरण देखते हैं। से क्वा यून कूलर, नो सने पास यून कूलर, से त्यून कोल, ये क्या है, रंग, नहीं ये रंग नहीं है, ये गोंद है। से क्वा यून गोम, नो सने पास यून गोम, से त्यून वुआत्यूर, ये क्या है, रबर, नहीं ये रबर नहीं है, ये एक गाड़ी है। से क्वा यून साल द क्लास, नो सने पास यून साल द क्लास, से त्यून ऑरलॉज, ये क्या है, एक कक्षा, नहीं ये कक्षा नहीं है, ये एक घड़ी है। अभी हमने देखे एक वचनी अनिश्चित उपपद। बहुवचनी अनिश्चित उपपद होता है दे। बहुवचनी निश्चित उपपद होते हैं ले। निश्चित एकवचनी उपपद होते हैं ला और ल। आइए उन्हें दोहराते हैं। ल कार्ताबल, ल कार्ताबल, ल ताब्लो नुआर, ल ताब्लो नुआर। अब हम देखेंगे निश्चित बहुवचनी उपपद के उदाहरण। ले जोरलोज, ले जोरलोज, ले पापिए, ले पापिए, ले ताई क्रेयो, ले ताई क्रेयो। अब हम देखेंगे
अनिश्चित बहुवचनी उपपद के उदाहरण। दे स्टीलो, दे स्टीलो, दे क्रेयो, दे क्रेयो। तो ये वस्तु, उनके उपपद और उन्हें नकारने का तरीका याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ और शिक्षकों के साथ दोहराते रहिए। चाओ।